हेलो गाइस, आज तारीख है 9 मार्च 2022 एंड टाइम हो चुका है 9:14, 1 मिनट बचा है मार्केट खुलने में और गैप अप हुआ है 120 अंक का बैंक निफ्टी के अंदर। मैंने एक पोजीशन ली थी शॉर्ट स्ट्रैडल, कल मैंने ली थी 3:25 के टाइम पर, ठीक है जी। तो मैंने 5 मिनट पहले ली थी, अब मुझे देखना है कि इसमें क्या होता है। मेरे को टाइम डिके की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैंने ये एक शॉर्ट स्ट्रैडल बनाया था। मैं इसको खुलते के साथ ही सेल आउट कर दूँगा, बाकी देखते हैं क्या होता है। थोड़ा पेशेंस दिखानी गई आपको बस। और हाँ, अभी तो मेरे को अभी 1000 रुपये का लॉस दिखा रहा है, मैं खुलते ही इसको सेल कर दूँगा 1 मिनट के या फिर 10-12 सेकंड के अंदर ही। थोड़ा वेट कीजिए आप बस। शॉर्ट स्ट्रैडल में हमेशा आपको टाइम डिके चाहिए होता है, कुछ चाहिए होता नहीं है। तो टाइम डिके के लिए ही मैंने इसमें एक पोजीशन ली थी, ताकि मेरे को ओवरनाइट में थोड़ा सा टाइम डिके मिल जाए। पर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, थोड़ा सा वेट है बस। ओके ओके ओके, दिख पा रहा होगा आपको, मैं सेल आउट कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट, वेट, एग्जिट ऑल पोजीशन। ओके, 2800 पहुँच गया था पर 1800 पे बुक हो गया। ओके, मैंने इसको देखो बहुत जल्दी ही बुक कर दिया, लगभग मार्केट खुलने के 15-12 सेकंड के अंदर ही। तो मेरा यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है, एक लॉट से मैंने शॉर्ट शेड बनाया था और मेरा यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है। मैं बात करूँ मार्केट की, मार्केट में खुलते के साथ ही जो इसका गैप अप हुआ था वो तो गैप गया, इसलिए मेरा फ़ायदा हुआ है। अगर ये ऊपर ही ऊपर भगता रहता शायद मेरा थोड़ा लॉस भी पहुँच जाता, पर इट्स ओके। अब मेरे को तसल्ली है कि मैं प्रॉफिट हो चुका है। अब मैं अपना सेटअप बंद करता हूँ और कुछ और बातों पर ध्यान देता हूँ, ताकि मैं अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो ये था गाइस आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।